नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज मैं बनाऊंगी समोसे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही रख दिया था कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक और दरदरा किया हुआ साबुत धनिया। धनिया 1 छोटी चम्मच ली थी और 2 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हरा मटर, ये मैंने 100 ग्राम लिया है। इन सबको अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो इसमें ऐड करूँगी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर और इन सबको डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आलू। आलूओं को इस तरह से तोड़ तोड़ के ऐड करना है। आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है और इन सबको मिलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। समोसे के जो आलू है ना, बिल्कुल मैसी नहीं होते हैं, थोड़े से छोटे बड़े टुकड़े इसके अंदर होते हैं, तो कहीं कहीं पे ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, तो मैंने इन्हें चम्मच से तोड़ लिया है। अब तोड़ते हुए इनको अच्छे से भून लेना है हमें। अब इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर मैंने लास्ट में ऐड किया है क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ मूंगफली। मूंगफली मैंने पहले से ही भून के रखा हुआ था। अब इसको ऐड करके मिला लेंगे और फिर इसके बाद ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। अब इन सबको मिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम मैदा। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश करके अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल और इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर इसको मिक्स करते हुए हाथों से देखेंगे कि ये मुट्ठी बंध रहा है कि नहीं, इसका मोयन कैसा है, तो आपको इसी तरह पता चलेगा जब ये मुट्ठी बंधने लगेगा। अब इसमें थोड़े थोड़े पानी ऐड करके इसका एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। और ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है, जिस तरह से पूड़ी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सख्त लगाना है। अब आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें से हम लोइया तोड़ेंगे और इसके बाद इसे बेलेंगे। तो मैंने एक लोई ले ली है, इसको मैं चकले पर रख करके बेल लूँगी। और इसको राउंड शेप में बिल्कुल नहीं बेलना है, इसको ओवल शेप में बेलेंगे, तभी जाकर के समोसे का कोन जो है ना वो अच्छे से बन पाएगा। और इसकी थिकनेस जो है हमको इस तरह की रखनी है, ना ज़्यादा मोटी रखनी है ना ज़्यादा पतली रखनी है। इसके बाद हमें इसे बीच में काट लेना है और इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। अब इसके 1 पार्ट लेंगे और किनारों के हर तरफ से पानी लगा लेंगे और इस तरह से दोनों साइड से ले लेंगे और एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से सील कर लेंगे। और ये जो समोसे का कोन है वो बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें जो समोसे का फिलिंग बनाया था उसे हम इसके अंदर भर लेंगे और फिर पीछे की तरफ जो है इसके छोटी सी प्लेट लगाएंगे इस तरह से और फिर इसे सील कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें सील करना है ताकि जब हम इसे तलें तो फिर इसका मुंह जो है वो खुले ना। तो ये हमारा समोसा जो बन करके है तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे समोसे बना लेंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, समोसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप भी ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बनेगा ये समोसा। अब इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रखा हुआ था पहले से गैस पर, तो तेल गर्म हो गया है थोड़ा। तो अब उसमें ऐड करेंगे ये समोसे। तो इन्हें हम सुनहरा होने तक उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। समोसे को हमें लो फ्लेम पर इसलिए फ्राई करना होता है क्योंकि समोसे जो है अंदर से भी क्रिस्पी बने और खस्ता बने। तो देखिए हमारे समोसे का कलर कितना बढ़िया आया है। अब मैंने इन्हें निकाल लिया है। इसी तरह मैं और भी समोसे फ्राई कर लूँगी। तो मैंने समोसे को है तेल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए और इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो समोसे फ्राई किए थे उसको मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसे दिखाते हैं। तो हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये समोसे जो है कितना क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।